दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैं बहुत दिन से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ एंड ऐसा शॉकिंग रिजल्ट मेरे सामने बहुत कम ही बार आता है, मतलब बहुत ही कम। तो अल्टीमेटली इस वीडियो को देखने के बाद अंत में आप समझ जाओगे कैसे लोग ब्लॉगिंग करते हैं एंड कैसे अपने ब्लॉग को आप चाहे न्यू हो ओल्ड हो एक टॉप टायर टिकट जैसा चीज़ों के अंदर रैंक कर सकते हो एंड अल्टीमेटली उधर से ट्राफिक अर्निंग वगैरह जनरेट कर पाओगे। तो बिना देरी किए बहुत सारा क्वेश्चन आपके दिमाग पे आ रहा होगा, हम लोग सीधा पॉइंट की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक टर्म है, ठीक है, गीगा क्रेडिट कार्ड। बेसिकली एक लेटेस्ट लॉन्च्ड क्रेडिट कार्ड है बाय HDFC बैंक एंड इस क्रेडिट कार्ड के अंदर बेसिकली एक ही मोटो है, फॉर फ्रीलांसर के लिए क्रेडिट कार्ड है, मतलब जो राइटर डेवलपर डिज़ाइनर एडिटर वगैरह है उनके लिए। एंड इसका मेन जो मकसद है कि अगर आप सॉफ्टवेयर वगैरह परचेस करते हो, होस्टिंग डोमेन वेरियस वेबसाइट से परचेस करते हो, तो मैक्सिमम डिस्काउंट एंड फीचर्स बेनिफिट्स आपको मिलेगा। तो यही मोटा मोटी इस कार्ड का मकसद है। तो आमतौर पे हम लोग क्रेडिट कार्ड परचेस करते रहते हैं तो सर्च भी करते रहते हैं। तो पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, मैं गूगल पे गया, सर्च किया गीगा क्रेडिट कार्ड जो आपके सामने है। आमतौर पे इससे पहले जब भी मैं सर्च करता था क्या आता था, आप एज ए ब्लॉगर आप क्या सोचते होगे कि ब्लॉगिंग का ब्लॉगर वेबसाइट आएगा या मतलब जो पर्टिकुलरली क्रेडिट कार्ड के ऊपर इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करता है, रिव्यूज़ अपडेट्स न्यूज़ वगैरह या टॉप फिनेंस साइट्स वगैरह आएगा, ऐसा मैंने भी सोचा था। लेकिन रियलिटी कुछ अलग कह रहा है, जो कह रहा है आपको देखना होगा। सबसे पहले HDFC का बैंक, HDFC बैंक का वेबसाइट, सेकेंड पे भी HDFC बैंक का वेबसाइट, दोनों में। तीसरा में आ रहा है पे ऑनर, मतलब HDFC एंड पे ऑनर मिल के मतलब गीगा क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो गीगा क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। तीसरे में कुछ FAQ, चौथा में कुछ वीडियोस, नंबर फिफ्थ पोजिशन पर कार्ड इनसाइडर, सिक्स्थ में ये वाला, सेवन्थ में अड्डा 24x7, सेवन्थ में अड्डा 24x7 एक ऐसा वेबसाइट है जो एडुकेशन के रिलेटेड वीडियो क्रिएट करता है, जो PW अन अकेडमी की तरह वेबसाइट है, कोर्सेज वगैरह सेल करता है, गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग वीडियोज़ वगैरह कोर्सेज वगैरह लॉन्च करता है। तो ये बीच में कहाँ से आ गिरा है, यही सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्वेश्चन है एंड प्रॉब्लम भी है, क्योंकि कार्ड इनसाइटर के जैसा बहुत सारा क्रेडिट कार्ड का बिगेस्ट ब्लॉग्स हैं वो रैंक नहीं हो रहा है, एक ही रैंक हो रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा ओपन करते देख पाओगे ये पूरा अड्डा 24x7 का ही ब्लॉग है, ठीक है। एंड ध्यान से अगर URL को देखोगे इधर पे देख पाओगे करेंट अफेयर्स, देख पाओगे currentaffairs.adda24x7, मतलब करेंट अफेयर्स सबडोमेन है अड्डा 24x7 का। तो सबडोमेन बेसिकली रैंक कर रहा है एंड इसके अंदर देख पाओगे साइट पे करंट अफेयर्स फॉर जून जुलाई अगस्त मंथ वाइज देन टॉपिक वाइज सारा कुछ। तो अगर पूरा पोस्ट को हम लोग देखें ऑलमोस्ट इधर पे एंड हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 300 मैक्सिमम वर्ड लिमिट का ये पोस्ट है। तो ऐसा एक हाई कम्पिटिटिव चीज़ों के ऊपर कैसे रैंक हो रहा है अड्डा 24x7 का सब डोमेन एंड इसके अंदर एकदम शॉर्टली पब्लिश किया गया है बेसिकली क्या कुछ है एंड क्यों है बेसिकली, एंड ऐसा पहले नहीं होता था। तो अगर आप फिनेंस ब्लॉग चालू करना चाहते हो या आप किसी भी टॉप टिकट टाइप का वेबसाइट को चालू करना चाहते हो, तो सबसे तेज़ी से रैंक करने का एक ही सॉल्यूशन अभी मैं देख पा रहा हूँ एंड आप भी देख पा रहे हो कि GK टाइप का वेबसाइट जो टॉप टिकट जैसा चीज़ों के ऊपर होता होगा। अगर इस टाइप का अगर आप ब्लॉग्स वगैरह क्रिएट करते हो तो आपका फास्ट रैंकिंग मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, एंड फास्ट आपको हर एक चीज़ मिलेगा। ये तो बहुत ही पॉपुलर ये है टॉपिक है, लेकिन अगर आप जाओगे कि कुछ ऐसा बहुत कुछ नीच है जो लो कम्पिटिटिव है एंड अगर कंपटीशन थोड़ा भी है लेकिन उसके ऊपर लोग GK वगैरह प्रोवाइड नहीं करते, अगर उस टाइप की चीज़ों के ऊपर जाओगे तब भी ट्रैफिक आएगा। तो ऐसा चीज़ों को देखो खोजो
क्योंकि जीके का जो आज हाल फिलहाल में चल रहा है कि सबसे पहले गूगल इसको ज़्यादा प्रोमोट कर रहा है। एंड पहले रेडिट वगैरह करता था, अभी रेडिट नहीं आ रहा है। एक नोटिस किया आपने शायद, रेडिट या कोई सा भी फोरम वगैरह, बहुत सारा फोरम है रेडिट कार्ड का, रेडिट का इंडिया में 1.1 मिलियन का एक फोरम है सब रेडिट, ठीक है, 1.1 मिलियन का ग्रुप है, वो भी रैंक नहीं हो रहा है, दूर दूर तक नहीं। एंड आप देख पाओगे ये सब कुछ आ रहा है अंडर 24/7, जस्ट सब डोमेन, कोरा भी नहीं आ रहा है, मीडियम भी नहीं आ रहा है, कोई सा भी फॉर्म नहीं आ रहा है। ये जैसे हम लोग पहले सोचते थे कि वो बहुत ही ऑर्गेनिक ऑथेंटिक कंटेंट देगा। तो इससे कुल मिलाकर साफ ये बनता है कि अभी जीके वेबसाइट नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है। अगर आप काम करोगे आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप किस तरह से काम करोगे उसके लिए एक छोटा सा ओवरव्यू, मे बी आप थोड़ा सा प्रॉपर रूट को फाइंड आउट ना कर पाओ, तो उसके लिए मेरा छोटा सा जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो जाओ किसी भी टूल के अंदर, जाना ही होगा, सेमरश यूज़ करो, उबर सजेस्ट, मौज नहीं, एचडीएफ्स वगैरह यूज़ करो, खोजो कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा कन्वर्शन लेके दे सकता है, मोटा मोटी एक आइडिया ले लो, ठीक है, उधर पे सीपीसी वगैरह एक्यूरेट नहीं आता, आइडिया ले लो, देन जाके इसको डालो, देखो। एंड देखने के बाद उसके ऊपर चाहे आपके पास डोमेन हो पहले, उसके अंदर सब डोमेन स्टार्ट कर दो, देख पा रहे हो सब डोमेन रैंक कर रहा है, आपको अलग से पैसा देके एग्जैक्ट मैच डोमेन, अगर पैसा नहीं है तो खरीदना नहीं है, अगर है तो खरीद लीजिए, कोई सा प्रॉब्लम नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो आप सब डोमेन को क्रिएट कर लो एंड आर्टिकल डालो, देखना कुछ दिनों के अंदर अगर आप प्रॉपर इंडेक्सिंग वगैरह सही से करते हो एपीए के थ्रू या प्लगइन्स के थ्रू, तो देख पाओगे विद इन फ्यू मंथ्स आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। कोई सा भी देश को चुन लो, पकड़ लो, लिमिट नहीं है, आप चैट जीपीटी या किसी भी से कंटेंट लिख सकते हो, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही लो क्वालिटी कंटेंट है, जैसे अपने देखा अड्डा 24/7 में बहुत ही लो क्वालिटी कंटेंट था, तब चैट जीपीटी चाहे आप खुद से कुछ करो लिखो, रिजल्ट आपके सामने होगा। एक प्रॉपर छोटा सा रोड मैप, थोड़ा सा खुद से रिसर्च करो, देखो क्या कुछ हो सकता है, आपको खुद से करना होगा, लेकिन एक रास्ता मैंने बता दिया है। फास्ट रैंकिंग अभी बहुत लोग सोच रहे हैं, बहुत सारा कुछ करने के ज़रिए भी कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। एंड एक प्रॉपर टिप्स मैंने आपके सामने शो किया, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करो, ताकि मैं आपके सामने ऐसा कुछ केस स्टडी वगैरह लेके आ पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।